गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह मैं चाय बना रही हूँ और कप में ग्लास में सब में मैंने ऑलरेडी गुड़ डाला हुआ है। गुड़ वाली चाय आजकल पीने का आदत हो गया तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इधर मैं चाय उबाल के छान दे रही हूँ। अब रूम में जाती हूँ, देखती हूँ कि रूडी बहन को लेके खिला रहा है। इधर आप देख सकते हैं कि नीचे भी बिस्तर है, ऊपर भी बिस्तर है। तो ऊपर हम लोग सो रहे हैं लेडीज़ पार्टी है और नीचे दोनों बाप बेटा सो रहे हैं। उस रूम में बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, इसीलिए हम लोग इसी रूम में आ गए हैं सोने के लिए। वेल, चाय लेके आती हूँ तो बाबू सोना बहुत खुश हो जाती है चाय देख के और चाय में हाथ वगैरह मारने लगती हैं। और फिर चलिए दिखाते हैं आपको कि आगे क्या होता है, आगे का जो भी हमारा एक्टिविटी है वो आपको दिखाते। आइए, सोना चाय पियोगी? यू वांट टी सोना? मैंने आपको दिखाया चाय बना रही थी, चाय बनाई हो गुड़ वाली चाय। और आज बहुत ज्यादा ठंड है। सोना उठ के कब से अपने भैया के साथ गोद में बैठी है। गुड मॉर्निंग। गोद में बैठी है। गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। दो बंदरिया सो रही है, सो नहीं रही, टीवी देख रही है। सुबह से इन लोगों का टीवी चल रहा है। हाँ, तुम क्या बोल रही हो बोलो। स्कूल में ठंडी डीएम क्वार्टर है, बंद करना है तो बंद ही ना हो। चाय, अरे अरे हाथ मारो, गरम हो जाए। जल्दी हाथ मार रही है, बहुत जल्दी मारना सीखी है। इतना जल्दी हाथ फेंकी है, गरम है। अरे हाथ टूट जाएगा, सुन करो, नहीं करो। इतना जल्दी गाइस हाथ फेंकी है ना, एकदम गरम चाय है, तुरंत ले गया। चाय देखे बहुत खुश होती है। एक मिनट सोना, रूडी रुको ना, रूडी देखो देखो कितना खुश, रूडी रुको ना। सोना का झूला बन गया, हवाई डुमाई। अरे अरे झूला, हवाई डुमाई। सोना का झूला, हटो हटो हटो, डर गई है। सोना लो चाय लो, मम्मा सोना का झूला। सोना, अरे अरे हवाई डुमाई, सही से पकड़ो बेटा, ऐसे नहीं करो। हवाई डुमाई खुलनी चाहिए भैया पिटा, इसका ध्यान पूरा चाय में ही है, चाय के कप में ही। देखना हाथ मारेगी, लो लो। अमाई डुमाई, कसको कसको फोन आए थे रे बयाना? अमाई डुमाई, छोटे भी को फोन आए थे रे, बोले थे नहीं कि 15 तारीख को कोई याद दिला। अमाई डुमाई, अरे अरे अरे, अमाई डुमाई को याद दिला देना, बाबू को इंजेक्शन लगवाना। अरे हाँ, कॉल है। आज कितना तारीख है? बाद में फोन करेंगे, फूफू उठ जाएगी तो बोल देना फूफू को फोन आएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, तो बोल देना। अब बाबा ही बोल आए थे, बाबा क्या बोल रहे थे? आए तो बात कराना, बोले थे कि आज हम होती को ले तिलक सब सब करा के। किसको? सब हम लोग, चलो हमारी दुमाई। अम्मा बोल रहे हैं ना, अम्मा ये क्या हो गया? तो 25 से ना, बर्थडे 22 को ना। चाय लमसम मेरा खत्म हो गया और आप देख सकते हैं चाय के नीचे गुड़। आजकल गुड़ वाली चाय हम लोग पी रहे हैं। बहुत की गोद में बड़ा मस्ती करती है रूडी दादा की गोद में बड़ा मस्ती करती है रूडी दादा की गोद में बड़ा मस्ती करती है। तुमको भैया ही संभालेगा बेटा, तुमको भैया ही संभालेगा। खुश हो रही है, देखो ना, दिखाओ शक्ल, दिखाओ डैडी का। दोनों भाई बहन का सेम शक्ल है, दोनों भाई बहन का सेम है। देखिए गाइस, दोनों भाई बहन का सेम शक्ल है। भैया की डांस कराओगी ना? हंसेगी। ये छोटी सी जान, अरे मेरी छोटी सी जान है। इतना जोर से रात को रोती है अचानक से। आज बाहर में काफी ज्यादा ठंड भी है और मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठंडा काफी ज्यादा है और धूप तो निकला ही नहीं है थोड़ा भी, और उजाला टाइप का दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा अंधेरा टाइप लग रहा है मौसम के बाहर है ना, वरना धुंधला धुंधला टाइप का लग रहा है मौसम काफी ज्यादा। स्कूल से मैसेज आया है कि 15 तारीख को सुबह बंद है। आज है शनिवार, यानी कि कल 13 तारीख तक बंद है। आज 12 है ना? 13 आज 13 हो गई। अरे हाँ, आज 13 जनवरी है। सोना 6 मंथ की हो गई, या 13 जनवरी है। अरे हैप्पी बर्थडे सोना, हैप्पी बर्थडे छोड़ा छोड़ा को आज लगी। हैप्पी बर्थडे, गिफ्ट दोगे? हैप्पी बर्थडे बेटा, सोना 6 मंथ की हो गई। हैप्पी बर्थडे बेटा, 6 मंथ की हो गई है आज तो। 6 मंथ सोना को गिफ्ट मिलेगा। सोना को गिफ्ट दोगे? क्या गिफ्ट दोगे? गिफ्ट दोगे? हाँ, रूडी सोना को गिफ्ट देगा। अच्छा, रूडी आज सोना को देगा गिफ्ट। गिफ्ट क्या दोगे? डॉल देगा बोल रहा। दे देना,
देते रहना चलो भाई अरे बाप रे थोड़ा थोड़ा कम्बल में रहेंगे कुछ भी नहीं होगा नहीं कम्बल में ही रहेगी कम्बल से बाहर नहीं निकलेगी चलो सोना का डायपर चेंज कर दूं रूडी डायपर सेक रहा है सोना खेली इसका मैं डायपर चेंज करने जा रही हूँ ये बेचारा डायपर सेक के दे रहा हाँ ओ स्वीट रूडी कितना प्यारा भैया है हो गया जला मत देना कागज का होता है वो सो गाइस मैं भी नहा ली हूँ और सोना को भी मसाज कर दिया और सोना का कपड़ा भी चेंज कर दिया बहुत रो रही थी अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे तो देख रही है मैं दिखाती हूँ आपको उठती है सोना भी हो गई रेडी हाँ ना सोना भी हो गई रेडी तो इसको मसाज करते वक्त तो नहीं रोती है पर कपड़ा पहनाते वक्त ये बहुत ज़्यादा रोती है एकदम मुझे ना बड़ा कपड़ा पहनाना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है इतना ज़्यादा रोती है क्यों रोती हो तो गाइज आपको एक चीज़ मैं दिखाती हूँ मैंने ऑनलाइन मंगवाया था सोना के लिए फ्रॉक फर्स्ट टाइम में मैं ऐसे देख रही थी तो मुझे बहुत प्यारा लगा सो वूलन टाइप का है तो मैंने मंगवाया था तो साइज बड़ा आ गया तो ये वाली फ्रॉक है गाइस ये देखिए ये वाली फ्रॉक तो बहुत ज्यादा बड़ा आ गया मुझे लग रहा है ये कितने साल का रुक बेटा 4 से 5 साल का आ गया है ये मुझे लग रहा है गलत मैंने वो कर दिया था ये 4 से 5 साल का आ गया तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये फ्रॉक कि मैं इसको डाल दूं पर नहीं पहनूंगी नया फ्रॉक नहीं पहनना है नहीं पहनना है ये वाला फ्रॉक नहीं पहनूंगी तो गाइस अब भी इसको बिल्कुल नहीं आएगा गाउन भी बन जाएगा लहंगा बन जाएगा इसको तो इसको अभी मैं रख देती हूँ वापस थोड़ी बड़ी होगी चलने वाली होगी तो डाल दूंगी इसको 9 साल भर के बाद इसको पहना दूंगी देख रही है अपना फ्रॉक नहीं पहनोगी नहीं पहनोगी चलो सब कुछ मुंह में प्यारा मुझे लगा था सोची थी आज मैं डाल दूंगी इसको पर खैर छोड़ो इसको वापस से हम रख देते हैं और इसकी नानी एक फ्रॉक सिलवा कर लाई थी आपको दिखाती हूँ एक और फ्रॉक है ये वाली तो ये भी गाइस बहुत बड़ा ये वाला फ्रॉक भी बहुत बड़ा हो गया है तो ये सारा फ्रॉक तभी पहनेगी जब चलने वाली होगी तो कितना प्यारा लग रहा है ये तो जब चलने वाली होगी तो ये वाला फ्रॉक उसको पहना दूंगी ना पहनेगी ना फ्रॉक और पायल पहन के चलेगी चम 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 तो ये वाला भी रख देती हूँ सारा फ्रॉक अभी इसको नहीं आएगा अभी 6 मंथ की हुई है ओनली 6 मंथ्स ओल्ड यू आर गाइस को बता दो I am only six month ओके मम्मा 5 ईयर वाला फ्रॉक तुम मंगा दी हो मेरे लिए क्यों तुम मेरे लिए 5 ईयर वाला क्यों मंगाई हो फ्रॉक मैं क्या 5 साल की बच्ची हो मैं 6 मंथ की अभी हुई हूँ तुम मुझे क्या समझती हो बोलो तुम मुझे क्या समझती हो मम्मा हाय ये तो मेरी जान पकड़ ली सारी दुनिया घर के अंदर सोना है घर से बाहर घूमने जाओगी हंसी मतलब घूमने जाएगी कहाँ जाओगी बताओ कहाँ घूमने जाओगी नानी के घर तो सुबह सुबह ही इसकी नानी का फोन आया था आमा का फोन आया था कह रही है कि मकर संक्रांति में आ जाओ मोतीपुर खिचड़ी में मोतीपुर आ जाओ बच्चों को लेके सबको लेके सोना को लेके तो सोना का बड़ा याद आता है इनकी नानी को तो सोना को लेके आ जाओ जाओगी मैं बोल रही थी रू बोल रहे थे कि बाबा आमा को यहीं बुला लो मकर संक्रांति में आमा आएंगी तो थोड़ा लाइव वगैरह बना देंगी
पर आमद उल्टा बोल रही है तुम लोग आ जाओ। अभी हमारा प्लान उनको बताया नहीं, वो पहले ही बोल रहे कि तुम लोग सब आ जाओ। स्कूल का भी छुट्टी हो गया है, 15 को खिचड़ी है तो 16 से शायद स्कूल ओपन होगा, तो स्कूल की भी छुट्टी हो गई है। तो आमा बोल रही कि आ जाओ, पर देखते हैं, पॉसिबल तो मुझे नहीं लग रहा है जाना, ठंड बहुत ज़्यादा है ना। सोना जाओगी नानी के घर? जाओगी जाओगी जाएगी नानी के घर? देख रही है, कुछ बोल दो, से समथिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हाउ आर यू एवरीबडी? से टुडे आई एम 6 months ओल्ड। इसका टंग का इस टंग देखिए उसको, मेरा वो रखा मैंने, इसको जब मालिश करती हूँ गाइस तो मैं अपना चूड़ा चूड़ी निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं करती हूँ उसको मालिश तो मुझे डर लगता है कि इसको लग ना जाए, इसलिए मैं निकाल के यहाँ पे रख देती हूँ। तब से इसी को देख रही है, कैमरे के पास है तो इसी को देख रही है ध्यान से। पहनोगी? चलो आज तुमको कंगन पहना देती हूँ, आज सोना को कंगन पहना देती हूँ। साथ कंगन लेके आना। एक और ये वाला भी ला, हैंड दो ये वाला हाथ। गिव दिस हैंड। चलो चम खुश हो रही। चलो निकाल दो, चोट लगा लेगी, ऐसे ऐसे हाथ करती है वापस इसी को चोट लगेगी। निकाल दू, रख दू, क्या कंगन पहनोगी तुम अभी? हाँ, कंगन पहनोगी अभी? चूड़ी पहनोगी? देख ली, चूड़ी पहनोगी अभी? हाँ, चूड़ी पहनने का अभी टाइम है तुम्हारा? हाँ, मार खाएगी। मसूर, इसका मसूरा टाइट हो गया, मसूरा टाइट हो गया ऐसा ना तुम्हारा, अब दांत निकल रहा है तुम्हारा, लग रहा है दांत तू आ रहे हैं। बाय बोल दो गाइस को, बाय बोल। ये जो कपड़ा गाइस मैं बोलता, ये जो कपड़ा सोना जो ड्रेस पहनी है, नहीं वाला, ये रूडी का है, रूडी भैया का पहनी है, भैया का कपड़ा पहनी है, रूडी भैया का कपड़ा पहनी है। माय, हाँ ये तुम्हारा है ना, तुम ये, हाँ रूडी पूछ रहा, हाँ मेरा पहनी है। तो गाइस आज तनाय ने बनाया है कटलेट और मैंने टेस्ट भी किया, मुझे लगा दिखने में तो अच्छा लग रहा है वैसे, और टेस्ट जब किया तो रियली बहुत टेस्टी बनाई है, अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे नहीं पता था कि तनाया बना इतना कुछ आते है तनाया को। वेल वैसे किचन का हालत कुछ इस तरह का हो गया है, पर कोई बात नहीं, इसका कटलेट खा के मुझे मजा आ गया, और मैं चाहती हूँ कि तनाया मुझे चाय के साथ सर्व करे, सॉस इस चाय के साथ सर्व करे, मैं थक चुकी हूँ, प्लीज चाय प्लीज। और वो तो चनाए बोल रही हूँ। तो बेटा दीदी बनाई है कटलेट, इतना टेस्टी दीदी कटलेट बनाई है, और दीदी मुझे देगी चाय बना के, स्पेशल चाय के साथ मुझे सर्व करने वाली। मेरे में सॉस बिल्कुल मत देना मुझे, वो किसको दे रही हो बेटा? चंदा, तो चंदा बुब्बू के लिए निकाल रही, एक और निकाल रही। चंदा दी बोली मुझे भी टेस्ट करवाना, तो टेस्ट करवा रही है वैसे। तुम भी टेस्ट करोगी? तुम भी टेस्ट करोगी? मैं मम्मा बचा ले मुझे, मेरा है। जो बनाते हैं वो कम खाता है, पता है ना। तो चलिए गाइस, बहुत तेज कर लगा है भूख, आपको टाइम दिखा देती हूँ कितना टाइम हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है, 12:30 ले लड़की 2 घंटे लगा दी कटलेट बनाने में। तो क्या मेहनत भी तो लगता है, टेस्टी है तो मेहनत नहीं लगता है क्या? हाँ यस यस, ये बात तो है। अब चाय चढ़ा दो एक तरफ बेटा, जल्दी सा, यहाँ पे दूध है यहाँ पे, जल्दी दो, इसी में चढ़ा दो, इसी में। हाँ उनको भी टेस्ट करा दो, सॉस नहीं देना उनको, बस वो कटलेट दे दो, सॉस नहीं पसंद करेंगे शायद, पूरा लग जाएगा उसमें। यहाँ पे सबको टेस्ट करवा रही हूँ, नहीं नहीं अच्छा है, क्रंची है। क्या बोलूँ, मेरा शर्म आ रहा
बोले फूफू मैं बनाई हूँ, टेस्ट करके देखी तो कैसा है। तुम भी खाओगे कटलेट? पूछा है कि कहाँ से सीखी हो बनाना, तो कहती है ट्रेन से सीखी हूँ। सुबह से मैंने मोबाइल लेके लगी हुई है, वही मोबाइल में रेसिपी देख के ये बनाई। अरे मामा ये किचन का हालत इतना खराब हो गया। किचन पूरा बिखर गया है। वेल कुछ तो बनाई बनाया, चलिए उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। होप गाइस हमारा ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोलो सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलते हम लोग की बारी। सो इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।